ये है लक्स डांस इंडिया डांस। डांस के सबसे बड़े मंच पर पूरी दुनिया का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है लक्स डांस इंडिया डांस के तीनों मास्टर्स का। सो प्लीज वेलकम मास्टर रेमो डिसूजा, मास्टर गीता कपूर एंड मास्टर डांस लुईस। और डबल जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लक्स डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर मिथुन ताका। लक्स डांस इंडिया डांस को मिल चुके हैं उसके टॉप 5 डांसिंग स्टार्स। आज डांस के सबसे बड़े मंच पर होगा डांस का हंगामा। इंडियन टेलीविजन के सुपरस्टार्स आज इस मंच पे आने वाले हैं अपने फेवरेट डांसिंग स्टार्स के साथ ठुमके लगाने। जी हाँ, तो सारे जरूरी कामों को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए और डांस के आनंद में खो जाइए। परफॉर्मेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज होने वाले सारे परफॉर्मेंस में से वो एक परफॉर्मेंस जो हर डांसिंग स्टार को इंस्पायर करेगी वो बन जाएगा लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे। और ऐसे खूबसूरत परफॉर्मेंस को मिलेगा लक्स की तरफ से गिफ्ट वाउचर। और अब बारी है आज के पहले परफॉर्मेंस की। इस परफॉर्मेंस में है यहाँ मैं घर घर खेली की स्वर्ण आभा। किस्मत हर पल खेल रही है इनके साथ नया खेल। क्या इनके पति के साथ हो पाएगा इनका मेल? फिलहाल इनकी जिंदगी ने बदल ली है करवट और मास्टर एमओ के हीरो पुनीत के साथ चल पड़ी है इनकी प्यार की रेल। तो देखिए स्वर्ण आभा और पुनीत के प्यार की दास्तान लक्स डांस इंडिया डांस के मंच पर। इतनी फैबुलस डांसर, आइए मेरे साथ ड्यूट करना। सॉरी ये मेरे वर्ड्स थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डीआईडी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं पुनीत को सपोर्ट कर रही हूँ। वेरी गुड परफॉर्मर और बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा डुएट, मुझे अभी से पता चल रहा है। बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। जो एक्ट है वो बहुत ही प्यारा एक्ट है, बहुत ही रोमांस वाला एक्ट है, तो इसमें केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा पिकअप है उनका एंड शी इज वेरी 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 गुड डांसर। दैट्स व्हाट यू कॉल अ परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट सुहासी, ऑल द बेस्ट पन्नू। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। है कुछ भी thank you।
आपने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। तो स्वर्णाभा का ये रोमांस और ये केमिस्ट्री, वो भी मास्टर रेमो के हीरो पुनीत के साथ। आई एम लकी। यू लकी? तो आप भी ट्रेन डांसर हैं, तो कैसा लगा आपको पुनीत के साथ डांस करने में? पुनीत इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स और लक्स डांस इंडिया डांस इज़ माई फेवरेट शो, तो स्टेज पर नाचना और इन सब के सामने इट्स माई प्लेजर एंड आई एम रियली लकी। मास्टर टेरेंस, सुहासी और पुनीत, ये परफॉर्मेंस जो था मेरे लिए क्वाइट मैजिकल था। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब सुहासी बाहर निकलती है एंड पुनीत वेंट इन द वॉल्स होल्ड, जिस तरह से आप गए, इट वॉज़ वेरी रीगल, वेरी एलिगेंट, वेरी ग्रेसफुल। और एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था हैंड्स का, द लॉक्स, दैट वॉज वेरी, यू नो, वेंट ऑन फ्रॉम वन लॉक टू द अदर टू द अदर टू द अदर इन साइड। इट वॉज वेरी वेरी नाइस, इट वॉज इंटरेस्टिंग। सो आई मस्ट से सुहासी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग पुनीत, अच्छा किया आपने। Thank you. And it was a very nice performance, Puneet, on your side also. All the best. मैं थोड़ी सी शॉक्ड हूँ एक्चुअली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि शी वुड बी दैट गुड अ डांसर। एंड थैंक यू। आप एक ऐसे कंटेस्टेंट को मैच कर रहे हो जो सुपर सिक्स तक आए हैं, तो आई थिंक यू डिड ब्रिलियंटली। केमिस्ट्री वॉज वेरी नाइस एंड क्रिएटेड वेरी वेल बिटवीन द टू ऑफ यू, सो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू। जैसे कि टेरेंस सर ने कहा मैजिकल, इट वॉज बिकॉज सुहासी आप सुंदर हैं, हैंडसम लड़का है हमारा पुनीत, तो आप दोनों की जोड़ी, इनफैक्ट जब रिहर्सल पे आए थे तो वहीं पे मेरे को लगा था कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है, तो सिर्फ केमिस्ट्री की जरूरत थी, वो आपने दोनों ने इतनी अच्छी कर दी कि उसकी भी कमी हट गई। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्ट एंड सुहासी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग पुनीत, एंड पुनीत ब्रिलियंट जॉब अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. Thank you, masters. Grand master, आपको लगा इनका performance सुंदर? क्या बात, क्या बात, क्या बात! Thank you. बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। Especially सुहासी, या सुहासी और सुहासी? सुहासी। अच्छा, जिसकी हंसी सुंदर हो। आप पहले हैं जिनको सही मतलब पता चला। अदरवाइज सब लोग मुझे पूछते हैं सुहासी मतलब क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ। एनीवेज, अ ग्रेट परफॉर्मेंस सुहासी एंड पुनीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुहासी फॉर कमिंग। थैंक यू। आई एम बैक सौम्या। तो आगे बढ़ते हैं। चले, अगले परफॉर्मेंस में है पवित्र रिश्ता की अर्चना, जो फिलहाल अपने हस्बैंड मानव से तलाक चाहती है। घर में चल रहा है टेंशन का माहौल, लेकिन इसी बीच अर्चना की जिंदगी में आता है वो जो सबकी जिंदगी में खुशियां बांट रहा है। लड़कियां उसकी दीवानी है, लेकिन फिर भी अर्चना को उससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो है और इस मंच पे अर्चना आई है अपने फेवरेट डांसिंग स्टार अमर का साथ देने। जो गाना दिया है हमने बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्लासिक नंबर है। ये ऐसा डांस मैंने अभी तक किया नहीं था, तो अमर मुझे काफी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं आप ऐसा करो आप ऐसा करो, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम इसको एक स्लोप पे कर रहे हैं, तो बहुत फिसलना है, तो बहुत चोटें लगी हैं। I really wish all the best, and Amar. I hope दो इंदौरी मिलके धमाल करने वाले हैं। Yo, Amar Archana, rock it, yes. हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए, यूं ही फिसल गए, आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए, ओ, ओ, ओ। यूं ही फिसल गए, आ आ आ। उड़े थी उड़े थी उड़े। हाँ
पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभालना हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका तुम तो मचल गए ओ ओ ओ यूं ही फिसल गए जोरदार तालियां हो जाए अमर और अर्चना के लिए। अमर थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ऐसा डांस मैंने फर्स्ट टाइम किया था और मैं सिर्फ अमर के लिए डांस किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा कुछ ना बिगड़े बिकॉज अमर के लिए क्योंकि अमर को वोट मिलेंगे अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो सो दिस इज़ फॉर यू अमर। ओके गुड थॉट और उसी में हम मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें अर्चना और अमर का परफॉर्मेंस कैसा लगा और मास्टर में आप ही बता दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये प्रॉप बहुत अच्छा लगा ये प्रॉप का आइडिया कहाँ से आया टेरेंस? जब हम बचपन में थे हम खेलते थे ना ऐसा ऊपर नीचे घसरपुंडी बनते थे ऐसे प्ले लगा ऐसे क्यूट सॉन्ग और जो माहौल किशोर कुमार और मधुबाला ने जो बनाया था इट वाज वेरी स्वीट एंड सिंपल यू नो सो आई जस्ट सेड लेट्स क्रिएट दैट सेम मैजिक मैजिक सॉरी एंड प्रॉपर शादा आप लोग दोनों ने डेफिनेटली मैजिक क्रिएट किया कुमार अमर अर्चना मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी दो तीन जगह पे क्योंकि सुन लिया मैंने कि आपने पहली बार किया नहीं बट कहीं कहीं आप देखिए बट मुझे कुंवर बहुत अच्छे लगे क्योंकि सबसे दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी थी जिस तरीके से स्लाइड करके वापस जम मार के ऊपर जाते थे वो और एक बार आप नीचे गए फिर जाके स्पिन लिया जो कि फ्लिप जैसा दिख रहा था अगर ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है फ्लिप मार दें वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेशन बोथ ऑफ यू ब्यूटिफुल सो आई रियली इन्जॉयड दिस परफॉर्मेंस थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मास्टर रेमो मास्टर गीता आपको अर्चना और अमर का परफॉर्मेंस कैसे लगा? मुझे अर्चना ने पहले कहा था देखिए मैं कितना भी बुरा परफॉर्म करूं मेरे लिए प्लीज़ अच्छा बोला अर्चना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नो एक्चुअली आप लोग बिजी रहते हो आप आते हो वक्त निकालते हो और हमारे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हो एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग सो थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड सपोर्टिंग आवर कंटेस्टेंट्स एंड यू परफॉर्म्ड रियली वेल अमर जैसे रेमो सर ने कहा सम थिंग्स दैट यू डिड वर वेरी वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस और बहुत क्लेवरली कोरियोग्राफ किया था टेरेंस सर ने आपके लिए ये एंड आई एम ग्लैड इट वर्क फॉर यू तो मैजिक वॉज देयर द डुएट वॉज वेरी नाइस एंड वेरी नाइस थैंक यू वेरी नाइस अर्चना क्या बात यार तूने कितना अच्छा परफॉर्म किया इसके लिए पैसे मैं अलग से लूँगी तुझसे बाहर ज़रूर मैं कहूँगा अर्चना ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था आप आई थी सोच कि मैं कुछ बॉलीवुड कर लूँगी और चली जाऊँगी लेकिन जब इसने देखा स्लो आई वॉज रियली नर्वस अबाउट दैट वन स्टेप कि आप पहुँच पाओगे या नहीं तो हाल कैसा जनाब नीचे होता था सो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू अर्चना कि आपने इतने छोटे समय में आपने अपना वक्त दिया एंड यू परफॉर्म रियली वेल कमिंग टू अमर थैंक यू बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट मैंने रखी थी तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये एक्ट इतने कम समय में आप दोनों ने किया थैंक यू सो मच अमर अगेन यू शाइन लाइक अ डायमंड दोनों ने बहुत अच्छा किया एंड ऑफ कोर्स अर्चना जी जैसे उन्होंने कहा मैं भी सोचा हाथ पहुंचेगा कि नहीं बट वेरी ब्यूटीफुली मैनेज्ड एंड डन वेरी वेल एंड आपके लिए क्या कहूँ यू हैव बीन अ वेरी ग्रेसफुल डांसर यू हैव प्रूव्ड अगेन पहली बार भी अभी भी आखिर भी आप करते आए और आपके लिए मेरे पास और एनर्जी नहीं है कि मैं ज्यादा थैंक यू सो मच थैंक यू दादा और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की जिसके बारे में आपको ग्रैंड मास्टर खुद बताएंगे दादा प्लीज बताएं भाई इतना कहूंगा कि लक्स डांस इंडिया डांस सिर्फ डांस का मंच नहीं है
डांस के चाहने वालों का मंच है। लास्ट वीक आपने दिखा होगा कि मैं छोटू लोहार को लेकर आया था इस मंच पर परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह अब ऑडिशन के वक्त मैंने और एक लड़के को देखा था, एक झलक सच्चाई, और सच्चाई से भी बढ़कर एक श्रद्धा मेरे मन को छू गया। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और एक ऐसा ही टैलेंट, यशकंत पेश है। मेरा नाम है यशकंत शर्मा। पता नहीं आप लोगों को मैं याद होऊंगा या नहीं, लेकिन पहली बार आपने मुझे ऑडिशंस में देखा होगा। मैं ऑडिशंस के लिए आया तो वहाँ पर कंटेस्टेंट्स को देखा मैंने और उनकी स्ट्रेंथ को देखा मैंने। एकदम से नर्वसनेस फील हुई कि मैं कहाँ हूँ, मेरी जगह कहाँ है, और मैं वो नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। डांस इंडिया डांस का लेवल इतना ऊंचा हो गया है, इतना टैलेंट है, हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि मैंने आज तो बाहर ही छोड़ दी थी। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कुछ कुछ लोग दिल को छू जाते हैं, यशकांत उनमें से वही है जो हमारे दिल को छू गया। किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे DID ने एक बार फिर से मौका दिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने उसको ट्रेन किया, कुछ सिखाया, कुछ बताया डांस के बारे में। मैं उस स्टेज की इज्जत रखूंगा जिस स्टेज ने मुझे एक बार फिर से याद किया। मैं अपना बेस्ट और 100% देने की कोशिश करूंगा। यशकांत, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गुड लक यशकांत। यशकांत ये क्या कर रहे हो? मौका है, डांस पे चांस कर लो। बात है यशकांत, बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया आपने और आपकी सादगी ने तो सबका दिल छू ही लिया है। जब आप ऑडिशन एपिसोड्स में आगे नहीं बढ़ पाए थे, आपने कभी सोचा था कि आपको इस मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा? मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस लायक नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरी क्या बातें अच्छी लग गई जो मुझे फिर से याद किया। और वैसे भी किसी ने कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। और मैंने कहा है कि फैल जाती है चरागों की रोशनी हर जर्रे में, सिर्फ तले को ही उजाला नहीं मिलता।
घर होती मोहब्बत इस दुनिया में हर तरफ, या फिर घर होती कामयाबी इस दुनिया में हर तरफ, तो क्या रांझा को हीर और मजनू को लैला का प्यार नहीं मिलता? क्या बात है। लेकिन यशकांत, आपको तो हम सबका प्यार मिला है ना दादा? अच्छे तो आप लगे ही थे, नहीं तो आपको बुलाते क्यों? ऐसे परफॉर्मर तो अच्छे लगे थे, उसके बाद आपकी सच्चाई और जो श्रद्धा सभी के लिए, मेरा दिल भाग गया था। उसी दिन ही मैंने तय कर लिया था कि आपको मैं एक बार जरूर मौका दूंगा। यू आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू यशवंत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दादा ने सही बोला, सच्चाई अच्छी लगी आपकी। इस सच्चाई ने हमको, हमारा दिल जीत लिया था। और उस वक्त मैंने कहा था कि आपको और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त आपने मार्शल आर्ट किया था, मार्शल आर्ट के काफ़ी सारे स्टंट्स दिखाए थे आपने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने प्रॉपर डांस किया और बहुत अच्छा किया। एंड आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ यू एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे एक बात वो याद थी आपकी, कि आप दूर खड़े थे और लोगों को देख रहे थे, कि जब हमने वेन्यू में एंटर किया था तो लोग दे रीच आउट टू अस एंड वी रीच आउट टू देम, हाथ मिलाते हैं, तालियां लगती हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं तो देखता ही रह गया, और यू नो, और हम सब खड़े होके आपको कहने लगे कि आइए और आज ताली मार के चले जाइए। आज मैं कहूँगी इस परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक यू शुड कम एंड आई वांट टू गिव यू अ हग। क्या बात है, एक झप्पी। मुझे बहुत पसंद आया आपको ट्रेन करने में, क्योंकि मैं जानता कि कितना रॉ थे आप और आपकी कितनी कॉन्फिडेंस लो थी, लेकिन जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया आज ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड आई मस्ट से दैट हैट्स ऑफ, क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए यहाँ पर डांस करने की। एंड मैं बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आज आपके परफॉर्मेंस के साथ, जो एक्सप्रेशन आप दे रहे थे, जो परफॉर्मेंस आपने, जो फ्लिप्स मारे आपने, मौके पर चौका जो आपने मारा है, सही है आपके लिए। And I want to wish you all the very best. All the very best. Hope to see you in season 3. Thank you, masters. अच्छा यशकांत, आपका जो गांव है बांसवाड़ा, आपने कहा था कि आप सबको जाकर अपनी टोपी दिखाएंगे। जी। तो क्या बोले जब आपने सबने आपकी टोपी देखी तो? Actually सर, मेरी भी एक छोटी सी डांस क्लास चलती है, वहाँ पर कुछ आता नहीं है लेकिन मैं सिखा देता हूँ। तो जब यहाँ से टोपी लेकर गया था, जब आप तीनों ने मुझे, शायद मैंने किसी को नहीं देखा कि आप तीनों ने एक साथ किसी को तकदीर की टोपी पहनाई और मुझे आपने पहनाई, और वो जब मैं वहाँ पर लेके गया तो मेरे स्टूडेंट्स, बस सर एक बार हमें छू लेने दो सर, उस टोपी को एक बार छू लेने दो ऐसे। थैंक यू यशकांत, बहुत अच्छा लगा आपको एक बार फिर डांस करते हुए देख कर। ऑल द वेरी बेस्ट और धन्यवाद। और अब बारी है अगले परफॉर्मेंस की। इस परफॉर्मेंस में है अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो के छोटे ठाकुर शेखर। लाली ने कर दिया है इनके विश्वास का खून खून खून। लेकिन फिकर नॉट, इन्हें आजकल बहुत अच्छा लगता है डांसिंग स्टार बिनी का जुनून। तो पेश है डांस के सबसे बड़े मंच पर छोटे ठाकुर शेखर और डांसिंग स्टार बिनी शर्मा। I'm very lucky कि मुझे शेखर जी मिले हैं as an मेरे partner। आज हम दोनों duet की practice कर रहे हैं। हाँ, तो मेरी कितनी बीवियाँ हैं आप लोग बताइए? नौकी दुल्हन, छोटी दुल्हन, असली दुल्हन, और अभी मेरे पास एक और बीवी है, क्योंकि हमारे एक्टर ने मियाँ बीवी करके नचनी दुल्हन। People like this new जोड़ी and they love the little simple love story। फिर से कुछ गलती ना हो जाए। Please, हो गया अभी। That is my biggest fear. But we'll rock. We'll rock for sure. All the best, Binny. All the best, Shekhar.
सुखी रोटी तेरे हाथों से, ए रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा। बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस था और बहुत मज़ा आया छोटे ठाकुर आपका ये अंदाज़ देखकर। हमें तो पता ही नहीं था कि छोटे ठाकुर का ये अंदाज़ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कोई मुझे बता सकता है? ये स्टेज डांसर्स के लिए और मैं एकदम, मेरे ख्याल से मेरे पार्टनर और मेरी मेरी सिमिलैरिटी, हम दोनों एकदम अनट्रेंड हैं, बट लुक एट हर वेयर शी इज रीच्ड एंड मैं कहाँ रह गया। नहीं, हमें बहुत मज़ा आया लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मास्टर्स को भी मज़ा आया। सबसे पहले पूछते हैं मास्टर रेमो से, मास्टर रेमो आपको मज़ा आया कि नहीं? तो बहुत सच्चे हैं जिस तरीके से बोला कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो रिहर्सल हॉल पे भी मेरे को आके बोला कि क्यों नचा दे वो मुझे। पिकअप करने में टाइम लगता है आपको और दिखता है वो। आप जिस तरीके से मज़े लेके कर रहे थे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। जहाँ तक स्टेप्स का सवाल है, बहुत कई जगहों पर मुझे स्ट्रगल बहुत दिखाई दिया, स्टेप्स छूट गए वो सब था। बिन्नी ने काफ़ी हद तक संभाला सिचुएशन को एंड उस प्रॉप के साथ जो किया आप लोगों ने वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सो इट वॉज़ अ नाइस स्वीट एक्ट एंड गुड कि आपने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया। तो कीप लर्निंग एंड आई थिंक थैंक यू सो मच, डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो। थैंक यू ऑल द वे बेस्ट बिन्नी, यू आर ब्यूटिफुल एंड लवली परफॉर्मेंस। थैंक यू, थैंक यू सर। जो एक्ट था वेरी क्यूट सिंपल स्वीट था, ओके एंड सिंग का बहुत बड़ा झोल था। होता है आप आर्टिस्ट हो। ऑल्सो प्रॉप के साथ जो स्टेप्स किए थे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे लेकिन उसका बैलेंस थोड़ा हड़बड़ाहट हुई एंड बिनी आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला उसको। वेरी नाइस परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन आपके अच्छे थे तो ऑल द बेस्ट। मैं एक्चुअली टेस्ट ही कर रहा था, बिनी को टेस्ट कर रहा था कि मैं खराब करूंगा तो वो तो नहीं लूज करेगी। एंड शी फेयर्ड रियली वेल, शी बीइंग अ ग्रेट डांसर, मुझे लगता है इसके लिए इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए। थैंक यू सर। मैं अभी अभिषेक से पूछूंगी कि यू फीलिंग बेटर नाउ? या आई एम फीलिंग ओके। यू कैन रिलैक्स, यू कैन जस्ट स्टैंड चिल, इट्स ओवर, इट्स डन, इट्स गुड। जितना आपने किया ऑनेस्टली व्हेन यू केम डे वन, मैंने इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट यू आर सो हार्ड वर्किंग, आई एम सो हैप्पी दैट यू एक्चुअली केम फॉर बिनी। थैंक यू। आपको पता है आपके फ्लॉज क्या हैं एंड दैट वर्क्स, द ऑनेस्टी इन वर्क वर्क्स। तो आई से हैट्स ऑफ टू योर ऑनेस्टी अबाउट योर फ्लॉज, सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। एंड बिनी,
वेल डन यार, तूने बहुत बहुत जगह पे यू डिडंट लेट गो एंड दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ अ गुड परफॉर्मर. थैंक यू मां. सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू बोथ ऑफ यू. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छा किया आप दोनों ने. विनी तो इज ऑलवेज अ फैंटास्टिक डांसर. और अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? आपने कभी डांसिंग स्टार बनने का सपना देखा था? नहीं, सपना नहीं देखा था. एक्टर बनने का देखा था. जी जी. क्योंकि जिस जगह आपने छोड़ा, रिदम छोड़ा, उसमें भी एक रिदम था, इसलिए मैंने पूछा. थैंक यू. थैंक यू सर. अब अगर आप पूछेंगे कि दादा मजाक कर रहे हो, बिल्कुल नहीं. क्योंकि ये मंच अभी डांस करते करते ऐसा हो गया, ये देखिए ये थैली वहाँ से छोड़ा, वो भी रिदम में नीचे आया. इसके अंग अंग में, कोने कोने में खाली यू नो बीट है. 1 2 3 4 गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, गुड. इज सो मच मतलब फील्ड विद इट. तो छोटे ठाकुर, यहाँ सूखी रुखी सूखी रोटी की बात करो तो घर में ऐसा क्यों है भाई? है छोटे ठाकुर. सर एक्चुअली सोचने की बात तो ये है कि आई फ्रेंकली डोंट केयर दैट मच अबाउट डांसिंग, इन द सेंस कि मैं आप लोगों का जो पैशन है डांस के लिए, आप लोगों का वो मैच ही नहीं कर सकता. बट वॉट आई कैन मैच विद योर पैशन इज दैट माई प्रेयर, माई होप, माई डिज़ायर. आई रियली होप दैट दिस गर्ल विंस. ओके सौम्या, चलिए आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल. अब बारी है अगले परफॉर्मेंस की. इस परफॉर्मेंस में है पवित्र रिश्ता के मानव, प्यार की अग्नि परीक्षा में जलता बड़े से गैराज का एक छोटा सा मैकेनिक. पहले अर्चना, फिर श्रावणी, एक के बाद एक प्यार की सैकड़ों जख्म वाले. सिर्फ दो इम्तिहान. और आज ये मैकेनिक डांस की अग्नि परीक्षा दे रहा है डांसिंग स्टार शक्ति के साथ. क्या मानव ऐसा कर पाएगा? जानने के लिए ये देखें. और मेरी बैंड बजी हुई है क्योंकि शक्ति बहुत अच्छी डांसर है और मैं इनके स्टेप को मैच नहीं कर पा रहा हूँ. दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे हैं. They're looking very cute. The chemistry is really rock on. सुशांत, I hope डर नहीं रहे मेरे से कि अरे इसको क्या हो गया. शक्ति एंड मानव, I must say, they're going to kind of burn the stage. शक्ति मानव, all the best. It hurts. Touch. What's the touch? You know what I mean, like this. Can I get you? Can I touch you? Can I get you? Can I touch you? Touch me, touch me, touch me. Kiss me, kiss me, kiss me. Kiss me. तुम्हारा
That was a fantastic performance. Zorda Tala Ojan, Shakti or Manav Kale. Shakti, superb. क्या बात है माना सुपर मैन सुपर बड़ा परफॉर्मेंस वैसे वहां से अर्चना की आंखें बड़ी निकल रही थी जब आप डांस कर रहे थे टच मी किसमी किसमी ऐसे अर्चना पवित्र रिश्ता में आप तलाक देना चाहती थी ना मानव को अब आपको पता है आपको क्या करना है ना ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट मानव तो पूछते हैं मास्टर से कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा और हम शुरू करेंगे गब्बर से गब्बर बताइए ये जो एक्ट था इसका कोरियोग्राफी बहुत अच्छा किया था विच गोज़ टू टेरेंस एंड बहुत हद तक आप लोगों ने बहुत अच्छा निभाया भी द वे यू चेंज द कॉस्ट्यूम्स दैट वाज वेरी नाइस एंड देन बीच में वो बिगनिंग में स्कर्ट निकल गया क्या वो तो कहाँ निकलने वाला था हमको पता नहीं है इसलिए कमेंट नहीं कर सकते कि वहाँ निकलने वाला था तो ऐसे निकल गया बट निकल गया बट एक्ट वॉज वेरी नाइस वेरी हॉट आई लाइक शक्ति ने जिस तरीके से हैंडल किया बट सुशांत से मुझे थोड़ा सा वो है कि आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे ना इट वॉजेंट सॉफ्ट इट वॉजेंट एलिगेंट एंड मतलब जिस तरीके से रंबा और सांबा में चाहिए कि जिस तरीके से हैंडल करता है बट ओवरऑल इट वॉज ब्यूटिफुल शक्ति वॉज ब्यूटिफुल एंड यू आपकी इस परफॉर्मेंस देख के आप मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे डांसर हैं ऑलरेडी तभी ऐसा पुल ऑफ किया आपने इतना अच्छा बट सिर्फ वही बॉडी लैंग्वेज का मेरे को प्रॉब्लम लगा अदरवाइज इट वॉज ब्यूटिफुल थैंक यू मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक अच्छा निभाया जो टेरेंस सर ने बिठाया था शक्ति मैनेज वेरी वेल एंड व्हाट यू वेयरिंग राइट नाउ फ्रॉम द फर्स्ट आउटफिट आई मस्ट से दिस इज ब्यूटिफुल लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यू टू बट आई थिंक वेल डन एंड ऑल द बेस्ट एंड बिकॉज आई हैव अ स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मानव वैसे वेल डन मानव थैंक यू क्या बात है वो क्या है कि एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे अर्चना ने बोले कि इसकी धज्जियाँ मत उड़ाना मैं तो ऐसी इसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी घटस्फोट देख के आई मीन डिवोर्स बट यू ओके श्योर नो नो दैट वाज अ जोक बट वेल डन आई थिंक यू कुड हैव डन बेटर बिकॉज आई नो यू कैन एंड आई जस्ट थिंक इट वाज लुकिंग लिटिल हैवी फुटेड एंड लिटिल ऑकवर्ड इट वाज बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी रश सो आई एम श्योर यू विल बी फाइन पहले तो रुम्बा और सांबा का थोड़ा क्लैरिटी दे दूँ रुम्बा कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूबा और वहाँ पर जो मेन होते हैं जब डांस करते हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एंड द वुमेन आर वेरी सेंशुअल तो इफ़ यू सॉ शक्ति शी वाज़ वेरी सेंशुअल एंड द मैन इज सपोज बी स्लाइटली एग्रेसिव तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मानव डिड अ वेरी गुड जॉब एंड द सांबा इज बेसिकली फ्रॉम ब्राज़ील इन्फ्लुएंस फ्रॉम ब्राज़ील तो उसमें बहुत सारा फेस्टिव नेचर चाहिए बहुत खुल के नाचना चाहिए एंड देयर अगेन मानव डिड वेरी वेल You know, he was really into the performance. In my opinion, aapne bahut hi achhi tarah se kiya. And of course, Shakti to aap Shakti hoi, Shakti maan ho. And hats off to both of you, because aapne jis tarah se aapne vastra change kiya and the way you held, it was a fantastic Chumeshwari performance for me. Thank you so much. Thank you. You have done very well, Manav. थैंक यू सर योर वट एवर रिक्वायर्ड जितना चाहिए था आपने पूरा पूरा दिया है एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत था शक्ति के लिए तो क्या कहें जितना भी बोले वह कम है हर अदा हर कुछ सब कुछ एकदम कमाल कमाल क्या बात क्या बात क्या बात सुमानव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपके फेवरेट टीवी स्टार्स और डांसिंग स्टार्स का डांस के सबसे बड़े मंच पर थिरकना जारी रहेगा लेकिन इस छोरे से ब्रेक के बाद ये है लक्स डांस इंडिया डांस और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की इस परफॉर्मेंस में थी अगले जन्म मोहे बिठ्या ही की जो की लाली डांस उनकी उदास जिंदगी में अभी खुशियां लाने ही वाला था मन का मयूर अभी कजरारे कजरारे करने ही वाला था कि अचानक वो बीमार पड़ गई लेकिन ऐन मौके पर एंट्री मारी है जसवीर ने और हाथ थाम लिया है डांसिंग स्टार धर्मेश सर का तो पेश है जसवीर और धर्मेश सर की सनसनाती जोड़ी बेस्ट ऑफ लक धर्मेश सर बेस्ट ऑफ लक जस्सी होल टाइम से से
उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हो मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा गजरा रे सर के लिए क्या बात है बड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे उन्हें वो एक्ट था तो चलो देखते हैं कि मास्टर्स ने मजे लूटे कि नहीं इस परफॉर्मेंस में और हम पूछेंगे पहले मास्टर रेमो से। मास्टर रेमो हेलो जस्सी गुड टू सी यू बैक पिछले साल भी आई थी इस साल भी आए आप और आपने इसको काफ़ी हद तक निभाया थैंक यू और ये इट वॉज वेरी नाइस सिंपल एंड स्वीट एक्ट ओनली थिंग इज अगर सिग्नेचर स्टेप अच्छा लगता आपको मैंने चेंज किया क्योंकि ओके देयर इज देयर वाज समथिंग बट आई एंजॉयड इट ऑल द वे बेस्ट थिंग टू डू एट दैट आवर सिंपल एक्ट था और जो सिग्नेचर था जो स्टेप थोड़ा फोर्स आ गया उसमें करते वक्त आई गेस विद ऑल द एनर्जी एंड एंग्जायटी गुड परफॉर्मेंस धर्मेश एंड जस्सी लास्ट मोमेंट के लिए आई वुड जस्ट से यार गुड ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट। मैं ये कहूँगी कि मस्ट बी ट्रॉमेटिक फॉर धर्मेश सर क्योंकि एक हफ्ते में उनको पता नहीं चला कि वो किसके साथ एक्चुअली नाचने वाले हैं और उनके नंबर्स बदलते गए इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी बदलती गई तो आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ा एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू थैंक जस्सी फॉर डूइंग दिस इट टेक्स अ लॉट कि आप उठ के कहें कि हाँ ठीक है लास्ट मोमेंट में आ जाती हूँ एक घंटे में ये भार उठा लेती हूँ अपने सर पे एंड
ये एक्ट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपने बहुत कम समय में इसको जो भी किया आपने बहुत कम समय में किया, एंड आई विश लाली वॉज हेयर टू, बट शी अनफॉर्चुनेटली इज़ अनवेल, सो आई वुड से आई मिस हर, बट थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच धर्मेश, वेल डन। थैंक यू मा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर। डांस की क्या बात करें, मतलब जस्सी तो ऑलरेडी वेरी ग्रेसफुल डांसर, लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं और जानते भी हैं कि जस्सी बहुत कॉन्फिडेंस है, और जब सुना मैंने एक घंटे के अंदर जस्सी ने आके इसको संभाला है, आई थिंक जस्सी क्या बताएं आपको, किस तरह आपको कहे कि क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। जैसे आप सभी जानते हैं कि धर्मेश्वर की पार्टनर अगले जन्म मोहे बिठाई की जो कि लाली है, और वो आज हमारे साथ है, तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। अरे पागल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या बात है, सॉरी सॉरी, कौन कहाँ बै... गीता माँ, आई कैन फील शी शिवरिंग। आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हमने कहा था कि धर्मेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे इसलिए हम यहाँ हैं, और आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत गलत टाइम पे बीमार पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने गलत टाइम पे मुझे बीमार किया, एंड बस इतना कहना चाहूँगी कि साथ देना था इसलिए यहाँ तक हूँ, एंड आप बोलो क्या बोलना है। ऐसा मौका कभी आपकी ज़िंदगी में ना आए जहाँ पे आपको किसी को भी सॉरी बोलना पड़े। आई डोंट वॉन्ट यू टू एवर से सॉरी, आपकी गलती नहीं थी, एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर हियर राइट नाउ। लेकिन एक और परमिशन चाहूँगी, पहले तो कुछ मैं लेकर आई थी वो मुझे क्या स्टेज पर मिल सकता है, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने हाथ से लाना चाह रही थी, तो ये गीता माँ के लिए है, आई एम रियली सॉरी धर्मेश, आप हेल्प करेंगे, आपकी इतनी अच्छी कोरियोग्राफी पे मैं नाच नहीं पाई, जो कि मेरे लिए सच में, आप नहीं करोगे ये, आई लव यू टू माँ। एंड एक कमाल की बात ये है कि मैं धर्मेश्वर के साथ सिर्फ 5 घंटे के लिए मिली, लेकिन पहली मुलाकात में ही, दादा मैं आपको बता रही हूँ कि पहली मुलाकात में ही मैंने इनका टी शर्ट फाड़ दिया, एक्चुअली इनके यूनिक का टी शर्ट था, उसमें डांस रिहर्सल में एक ऐसा कुछ मूवमेंट था जो कि टेक्निक से मुझे नहीं हो पा रहा था, तो मैं धर्मेश्वर बोलते थे कोई बात नहीं लटक जा, और मैं लटक जाती थी, तो यूनिक का जो इनका टी शर्ट था वो वी हो गया था, प्लीज़ वो पैकेट मुझे दे दीजिए, ये धर्मेश्वर के लिए टी शर्ट नहीं है, शर्ट है जो कि आगे से खुलता है, अगर कोई अगली बार से लड़की लटकेगी तो बटन खुल जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। चलो आप धर्मेश्वर को कोई टेंशन नहीं लेकिन है। एक एक और बात है गीता माँ, मुझे मालूम है कि DID जैसे फ्लोर पे मेरे जैसे नॉन डांसर को डांस करने का दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, तो आज ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती, लेकिन बस एक कोशिश है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोशिश में कोई हर्ज तो है नहीं, क्यों धर्मेश्वर, धर्मेश्वर संभालेंगे, आप अगर परमिशन देंगे तो। मैं मास्टर्स की परमिशन चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं मुझे लगता है कि दादा प्लीज, दादा प्लीज, आई थिंक आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दादा प्लीज जस्ट, आप प्लीज खड़ी हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपके आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर अपने कुछ नन्हे मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी, तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। Yeah.
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कौन है यहाँ क्यों आए हैं तो भाई इन्हीं से पूछ लेते हैं आप ही बता दीजिए आप यहाँ क्यों आए हो आई लाइक टू थैंक्स टेंस भैया क्योंकि इन्होंने अपने डांस टीचर्स लोग को भेजा हम लोग को इतना अच्छा डांस सिखाने के लिए वी लाइक टू सिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू हैप्पी बर्थडे टू यू और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई और अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा इनके टीचर मिस्टर शेखर को हम सेंट कैथरीन ऑफ सियाना ऑर्फनेज से टेरेंस सर को स्पेशल विश करने के लिए आए हैं और ये टेरेंस सर के साथ हम लोग का 4 साल का रिश्ता हुआ है और ये जो बच्चे हैं एक स्पेशल बैकग्राउंड से आते हैं उनका डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें टेरेंस सर का बहुत बड़ा हाथ है उनके टेरेंस विलिस कंपनी से एवरी डे एक डांस इंस्ट्रक्टर आता है एवरी डे उनके लिए 1 घंटे का डांस सेशन होता है और बहुत सारे बच्चे टेरेंस सर से इंस्पायर होके अभी कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं कोई डांसर बनना चाहते हैं तो स्पेशल थैंक टू टेरेंस सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फॉर थैंक यू वेरी मच धन्यवाद तो टेरेंस थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब और दूसरी बात आप लोगों के लिए जो डांस कर रहे थे उसमें 2-4 पटाखे देख रहा था मैं दम दम फूट रहे थे क्या लास्ट में झटका मारा के चारों उड़ के गिरे क्या बात क्या बात क्या बात और ग्रैंड सलूट आप लोगों के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि डांस कैन बी अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लेकिन इन बच्चों को सिखाने के बाद मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डांस थेरेपी क्योंकि ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं सो दे कैन समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड तो उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है और इसके साथ अगर आप क्रिएटिव एक चीज़ जोड़ दें जैसे डांस होता है तो पूरी फ्रस्ट्रेशन उस डांस के ज़रिए निकल सकती हैं मैं ये कहूँगा जब मैं भी एक छोटा बच्चा था तो मैं भी बहुत गरीब और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में गया था और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका तो मैं खुशी का आई कुडंट थैंक द पीपल हु गेव मी द स्कॉलरशिप और मैंने उनके जाकर बोला कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू तो उन्होंने बोला सिर्फ यही बोला कि जब आप इंडिया वापस जाओ और आप भी कुछ ऐसा करो जो हमने आपके लिए किया तो इट वॉज़ अ साइकिल जो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ एंड आई होप जब ये बड़े बच्चे बन जाएंगे और अच्छे डांसर्स बनेंगे और बहुत सारा फेम लोगे आप तो आई होप यू कंटिन्यू विद दिस और हम बहुत सारी खुशियाँ फैलाएंगे थैंक यू वेरी मच किड्स यू रियली मेड माय डे सो थैंक यू सो मच बच्चों एंड थैंक यू सो मच मिस्टर शेखर थैंक यू बाय बाय बेबी सी या ये है लक्स डांस इंडिया डांस
और अब बारी है आज के आखिरी परफॉर्मेंस की. इस परफॉर्मेंस में है डांसिंग स्टार अमृता. ठीक ऐसी ही हालत हुई जब अमृता के साथ इंडियन टेलीविजन के किसी स्टार को जोड़ी बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि ना तो कोई डांस में इससे कदम मिलाने को तैयार हुआ और ना ही जबान लड़ाने में. लेकिन एक स्टार ऐसी आई कि उन्होंने अमृता की बोलती बंद कर दी. कौन है वो? इस खतरनाक रहस्य से पर्दा उठेगा अभी, क्योंकि पेश है डांसिंग स्टार अमृता और सारे का मा लिटिल चैंप्स की होस्ट अफशा. कितनी छोटी है अफशा, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी नानी माँ इस हॉल में आ गई. जब से वो आई है अमृता की बोलती बंद हो गई है. मैं चुप हो गई इसको देख के. क्या जवाब देती, एक एक कुछ भी बोलो इंस्टेंट इसके पास जवाब रहता है. चश्मा मस्त है आपका? चश्मा तो पहले से ही मस्त है. आज हम से देखेंगे कि आप डांस को कितनी जल्दी सीखते हो. ठीक है ना? मुझे डांस दिखाना पड़ेगा फिर मैं सीख सकती. देखो यार, ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया है. या मैं जानना चाहती हूँ टीचर कौन है. नानी माँ है. नानी माँ, नानी माँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड नानी माँ. ऑल द बेस्ट अम्मू, ऑल द बेस्ट अफशा जी. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. अरे सासू मॉम, वेयर इज द रिमोट? ZTV पे मेरे फेवरेट गानों का टाइम हो चुका है. अरे बहू. हु इज बहू? तेरी बात कर रही हूँ. कभी कभार सुगम संगीत भी देख लिया करो. 21 इंच की टीवी पर ये 4 इंच का कपड़ा अच्छा नहीं लगता. और 70 mm के पर्दे पर 100 मीटर का कपड़ा उड़ाना अच्छा था क्या? हाँ, मिडिल क्लास. हमारे जमाने की बात ही कुछ अलग थी. राइट, ठीक. अब हमारा जमाना है. चल चल. चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्त ताली, तूने कदर ना जानी रामा.
परफॉर्मेंस होता है, ताली हो जाए अफशा और अमृता के लिए। हाय अफशा। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या मस्त डांस करती हो? मेरी आदत है। अच्छा परफॉर्मेंस देना आपकी आदत है? ऑफ कोर्स। आप ही ने सिखाया क्या अपनी सासू माँ को डांस करना? मैंने नहीं सिखाया, मुझे सिखाया गीता माँ ने, सॉरी गीता नानी ने। गीता नानी ने सिखाया है? हाँ। अच्छा, नया नाम रखा है गीता नानी। हाँ। गीता नानी, I have nothing to say. जब से ये मेरे पास आई है हम सब की बोलती बंद कर दी है इसने, तो मैं जिप लगा रही हूँ, जो कहना है दूसरे मास्टर्स कहेंगे। अच्छा अफशा, आपने गीता माँ को तो गीता नानी बना दिया, और ग्रैंड मास्टर को क्या बनाया? अच्छा उनको ग्रैंड मास्टर ही, चलिए बच गए। दादा दादा, हेलो हेलो, मुझे लगता है ये सो गए हैं सपना देखने। किस किसके बारे में सोच रहे हैं? क्या पता। अफशा जी नमस्कार। 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 आप बोलना क्या चाहते हो? बोलता हूँ मैं, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि आपसे बात करने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। अफशा जी ये आपकी और मेरी बात नहीं, डांस की बात हो तो मैं ये बताऊँगा कि बहुत दिनों के बाद किसी को मैं इस तरह के परफॉर्मेंस करते देखा है। इतना बहुत सारा एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर, अदाएं कमाल की, और अमृता जैसे कंप्लीट डांसर भी फीकी पड़ गई, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कहाँ चली गई। तो मैं आपको क्या कहूँ क्या कहूँ ये मुझे बता दीजिए आप। ये आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं, आप जा जो, मैं नहीं। जो भी बोलना है उधर ही बोल दो। दादा बोलती बन तो खत्म कर दू इसी में। तो मैम आपके लिए एक ग्रैंड सैल्यूट मेरी तरफ से। अमृता, एज़ फार एज़ शो इज़ कंसर्न, मैं यकीन से कह सकता हूँ हम सब आपको बहुत मिस करेंगे, कि आप एक कंप्लीट परफॉर्मर। फैसला सिर्फ इतना ही है कि शायद कल का दिन आपके लिए, मतलब जीतने के लिए अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हारने के लिए, कल का दिन जीतने के लिए अच्छा नहीं था। अदरवाइज यू आर विनर ऑल द वे। थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच। मास्टर्स आप बताइए कि आपको अफशा और अमृता का परफॉर्मेंस कैसा लगा? इसको इशारा कर रहे हो? हाय बोल रहे हो? हाय। इसको इशारा नहीं कहते इसको, बोलो क्या बोल रहे हो? आपके परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर बोलो ना। आपके परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब अमृता, एंड आप दोनों ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, जिस तरीके से आपने पुराना जमाना और नया जमाना दिखाया, वाज फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, वाज ब्यूटीफुल, एंड इट वाज टोटल एंटरटेनिंग। अदरवाइज इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू मास्टर रेमो। थैंक यू मास्टर टेरेंस। आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? वेल आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट अमृता, एंड अमृता आपने फिर वही किया, बोलो क्या किया? क्या क्या कॉन्फिडेंस के साथ नाचा। थैंक यू अमृता। अब जब स्टेज पे उतरती हो तो आप सब कुछ भूल जाती हो, एंड दैट्स द काइंड ऑफ परफॉर्म आई वांट टू सी। मैं भी ऐसा ही हूँ, जब मैं स्टेज पे आता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, एंड दैट्स डांस एंड डांस एंड ओनली डांस, एंड आई कैन सी दैट, एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू अमृता। मास्टर गीता, आपको अमृता और अफशा का परफॉर्मेंस कैसे लगा? टुडे ऑल्सो यू परफॉर्म लाइक अ ड्रीम, लाइक यू ऑलवेज डू, सो आई ओनली वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विल नॉट मिस यू बिकॉज यू विल ऑलवेज बी विद मी, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मास्टर्स। जैसा कि आपको पता है कि अमृता इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं है, ये परफॉर्मेंस उनका इस मंच पर आखिरी परफॉर्मेंस था। अमृता बहुत अच्छा किया आपने, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू अमृता। Yeah. जाते जाते फॉर यू एंड फॉर दिस लिटिल किड, किड नहीं बोलूँगा, ये आपकी भी नानी है। तो आप दोनों के लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, एंड यू आई थिंक यू डिजर्व अ किड कैट ब्रेक। थैंक यू।
थैंक यू अमृता, थैंक यू अफशा, थैंक यू, बाय अफशा. पिछले दो हफ्ते से चल रहा है मास्टर्स चैलेंज. डांसिंग स्टार्स मास्टर रेमो और मास्टर टेरेंस के चैलेंज पर डांस कर चुके हैं और अब बारी है मास्टर गीता के चैलेंज की. तो मास्टर गीता, आप बताइए, आपने सोच रखा होगा कि आप क्या चैलेंज देने वाली हैं. तो मास्टर रेमो का राउंड खत्म हो चुका है. खुश? खुश? मास्टर टेरेंस का राउंड खत्म हो गया. खुश? हाँ, तो अगले हफ्ते के लिए रेडी हो? बिल्कुल, यस. शाबाश, वेरी गुड. स्टाइल्स आपके पास पहुंच जाएंगे. पहले हम स्टाइल्स आपके मास्टर्स के साथ भी डिस्कस करेंगे और दे देंगे. एंड आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड, कम विद अ फ्रेश माइंड. ओके, थैंक यू सो मच. तो आप बारी है ग्रैंड मास्टर मिथुन दास से ये जानने की कि वो आखिर कौन है जिसने जीता है लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब. सो ग्रैंड मास्टर, लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे, इट इज पुनीत एंड शिवाशी एंड शक्ति एंड मानव. कंग्रेचुलेशन, आप चारों ने जीता है आज लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब और आपको मिलता है लक्स की तरफ से ये गिफ्ट वाउचर. तो जब तक हम दोबारा आते हैं तब तक इंडिया कीप डांसिंग. तू झूमे से अंदाज से के दुनिया के तू हो सिकुड़ा.